आगे भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनएचएम संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन। 500 कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। जल सत्याग्रह कर सरकार का विरोध करेंगे, मांग पूरी होने तक जल सत्याग्रह किया जाएगा। शीतल दास की बगिया के पास जल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। तस्वीर देखिए, तस्वीर जो आपसे कुछ दिन पहले की, जहां पर लगातार कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन अब जल सत्याग्रह की चेतावनी जो है वो दे दी गई है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल देखा जाएगा। तो एनएचएम संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन आज देखा जाना है। मेरी सहयोगी मनीषा लगातार हमारे साथ बनी है। मनीषा, एनएचएम संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का आज प्रदर्शन कब से शुरू होगा और क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, 9:30 बजे सुबह 9 बजे से सुबह संविदा कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो शुरू हो जाएगा। जल सत्याग्रह संघर्षन ये लोग करने वाले हैं, जिसके खिलाफ सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करने वाले हैं। काफ़ी वक्त से इनकी कुछ लंबित मांगे थी, जिनके चलते इन्होंने सरकार से काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर बातचीत की, लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा कोई भी इसे लेकर सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा था। और अब फाइनली बहुत बार सरकार से बात करने के बाद अब संविदा कर्मचारियों ने, एनएचएम जो संविदा कर्मचारी हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो जल सत्याग्रह करेंगे। ये जो सत्याग्रह होने वाला है ये शीतल दस की बगिया के पास होने वाला है। सुबह 9 बजे से ये सत्याग्रह शुरू हो जाएगा और इन्होंने ये निश्चय किया है कि जब तक सरकार द्वारा इनकी सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक ये लगातार जल सत्याग्रह करते रहेंगे। बिल्कुल, मांगों को लेकर आक्रोशित लगातार संविदा कर्मी जो है वो नजर आ रहे हैं। मनीषा हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे लगातार खबरों